पुलिस मुख्यालय के एडीजी सुनील कुमार ने बुधवार को डीआईजी रविंद्र कुमार एसपी संतोष कुमार के साथ दाऊदपुर थाना में पहुंचकर गहन निरीक्षण किया। इस क्रम में एडीजी ने थाने की व्यवस्था, पंजियों के रख रखाव, क्राइम के आंकड़ों की गहन जांच की। क्राइम कंट्रोल को लेकर एडीजी ने दाऊदपुर थाना अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार राम को पूर्व के लंबित कांडों का त्वरित निष्पादन में गति लाने, शराब तस्करों के खिलाफ अभियान को तेज करने, असामाजिक तत्वों आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों पर नजर रखने, क्षेत्र में नियमित रूप से गश्ती करने व मुख्य सड़कों समेत विभिन्न चौक चौराहों पर भी औचक वाहन चेकिंग अभियान चलाने समेत कई आवश्यक निर्देश दिए। इसी क्रम में ताजपुर फुलवाड़ी निवासी जदयू नेता निरंजन सिंह ने सरयू पार में बंद पड़े पुलिस पिकेट को चालू करने को लेकर आवेदन भी दिया। माजी से मनोज सिंह की रिपोर्ट। फरारी है तो उनकी बढ़िया से कुर्की की जानी है, संपत्ति की जब्ती की जानी है, उसमें कहीं कोई शिथिलता बरतने का कोई कारण नहीं है। इसलिए जो भी केसेस हैं मैंने देखे हैं, उस पर कार्रवाइयाँ होंगी नियमित तौर पर। जो संवेदनशील अपराध हैं उसमें मैंने यहाँ की स्थिति का मुआयना किया, हत्या है, लूट है, महिलाओं से संबंधित अपराध है, अनुसूचित जाति जनजाति से संबंधित अपराध है, शराब को लेकर की गई कार्रवाइयाँ हैं। आप कुछ केसेस यहाँ हैं जो मैं देख रहा था थोड़ी अधिक संख्या में हैं, अन्यथा 2021 और 2022 के जो केस हैं संवेदनशील उस पर कार्रवाइयाँ की गई हैं, गिरफ्तारियाँ भी हुई हैं और अधिकांश केसेस में चार्जशीट भी हुई हैं। लेकिन जो कमियां थी मैंने अवगत करा दिया है और अगले वीक यहाँ पर जो SDPO सदर हैं और यहाँ के इंस्पेक्टर सदर हैं वो तो दोनों अपने अपने विचार और नन विचार केसेस में कैसे कमी लाई जाए उसकी समीक्षा करेंगे। केसेस में कुछ आदेश लंबित हैं उसमें आदेश पारित करेंगे। जो लूट से प्रभावित क्षेत्र हैं उसका भी हम लोगों ने आकलन किया है कि कौन कौन से क्षेत्र प्रभावित हैं, वहाँ पर विशेष गश्ती रहेगी जी सर। और बाकी जो शेष अपराध हैं उन पर भी जो कार्रवाइयाँ होती हैं वो पूर्व की तरह जारी रहेंगी। हमने ये भी देखा बहुत अच्छा यहाँ प्रयास हुआ है, आगंतुक पंजी बनाई गई है SP साहब के आदेश से, जिसमें प्रत्येक दिन मिलने वालों के नाम नंबर उनके कार्य के जो विषय हैं वो लिखे जाते हैं। तो ये अच्छी प्रक्रिया है ताकि ट्रांसपेरेंसी हो लोगों को और लोग को लगे कि हम जब थाने जा रहे हैं तो मेरी बातों को सुना जा रहा है और जो संभव निदान है। जी सर, आज का ये औचक निरीक्षण ही कहा जाएगा ना इसको? यह नियमित निरीक्षण है जो प्रत्येक बुधवार या बृहस्पतिवार को हो रहा है आज। जी तो लेकिन सूचना इसकी कल ही आई थी, काफ़ी हद तक उनके पास तैयारियों का समय नहीं था, लेकिन मैंने हाल के केसेस में देखा तैयारियाँ अच्छी हैं, कार्रवाई हुई हैं, जो केसेस छूट गए हैं उन पर भी विशेषता है।